नमस्कार, खास खबरों के साथ मैं हूं राजा विजयपाल। आप देख रहे हैं आपकी अदला न्यूज की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद भिंड जिले में देखा जाए तो भिंड के पूर्व जिला अध्यक्ष वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रमेश दुबे ने ईवीएम मशीन की पारदर्शिता को लेकर जिला प्रशासन को कैटेगरी में खड़ा कर दिया है और उन्होंने जिला प्रशासन के विरोध में धरना पर बैठ गए हैं। अभी मशीन को लेकर आई उन्होंने क्या कहा? जिला प्रशासन को हमने लिखित में भी किया और बार बार हमारी मौके की भी बात हुई, डीएम से भी बात हुई, आरओ से भी बात हुई, तहसीलदार यानी पूरे प्रशासनिक मशीनरी से हमारी बात हो रही है। 3 दिन से बराबर वो डाले जा रहे हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। इससे साफ उनकी मंशा दिख रही है कि वह पारदर्शिता नहीं रखना चाहते हैं। इसके पीछे उनके मन में क्या है, इससे शक पैदा होता है। तो इस बात को लेकर जब हमने कल रात में भी हमने यहाँ 1 घंटे हमने रुकने के बाद में जब बात कहा था तो डीएम ने भी कहा था कि सुबह तक लग जाएगा, आरओ ने भी बोल के गए थे सुबह तक लग जाएगा, लेकिन पूरी तरह से लापरवाही जब हम आज सुबह आए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंदर का कोई व्यूज नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग के आगे पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर जो गेट है उसके अंदर एक ताला लगा हुआ है, उस पर कोई सील नहीं लगी हुई है, वो ताला कभी भी खोला जा सकता है, कभी भी बंद किया जा सकता है। और जो एक्स्ट्रा पेटियां थी वो कहाँ रखी गई हैं, जो खराब पेटियां हैं वो कहाँ रखी गई हैं, ये सारी बातें हम लोगों से छुपाई जा रही हैं। इससे साफ दिख रहा है कि प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है। इस बात को लेकर लोकतंत्र में गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने अपनी बात रखने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत वह लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, लोकतंत्र को बचाने के लिए पारदर्शिता रखें। और यह जो तरीका अगर वो अपना रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाजपा सरकार या सरकार उनको किसी को बचा लेगी, चुनाव आयोग किसी को माफ नहीं करेगा। इससे पूर्व भी अडेर उपचुनाव में लोग देख चुके हैं कि क्या हर्ज हुआ था उन अधिकारियों का जिन्होंने बात किया था। तो हमारी इसी मांग को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और भी प्रत्याशी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को, नागरिक को जागरूक होना चाहिए। सब लोग आने में समय लग रहा होगा, सब लोगों ने जो भी देखा होगा आने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पहुंचेंगे। और विषय हमारा नहीं है, हमारा तो हमें जागरूक रहना चाहिए ना। हर प्रत्याशी को जागरूक रहने की आवश्यकता है, वो अगर जागरूक नहीं है तो उन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक हो और अपने जो मत हमें मिला है उसकी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा, क्योंकि इस प्रशासन पर हमें भरोसा नहीं। आपकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता तो आगे क्या? मांग पूरी करनी पड़ेगी, हमें निर्वाचन आयोग को पूरा भरोसा है, वो जब उन तक हमारी बात पहुंचेगी निश्चित ही हमारी मांग पूरी की जाएगी, इतना मुझे विश्वास।